हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल ड्रीम इलेवन प्लेइंग इलेवन में। मैं आज आपको टीम देने वाला हूँ खुलना टाइटंस वर्सेस ढाका डायनामाइट्स की, जो कि कल मैच होने वाला है। तो उसकी हम जल्दी जल्दी टीम देख लेते हैं। तो सबसे पहले विकेट कीपिंग डिपार्टमेंट में बात करते हैं तो चैडविक वॉल्डन सबसे अच्छे ऑप्शन रहेंगे, बिकॉज कुमार संगकारा की पॉसिबिलिटी बहुत कम है खेलने की और रिस्की ऑप्शन रहेंगे कुमार संगकारा। तो अगर सेफर ऑप्शन के साथ आप जाना चाहें तो चैडविक वॉल्डन को लेंगे। तो बैटिंग में हम एवन लेविस लेंगे, माइकल क्लिंगर लेंगे, रिली रोसो लेंगे और कैमरून डेलपोर्ट लेंगे। आपको बता दूं, आप माइकल क्लिंगर की जगह रिली रोसो को भी ले सकते हैं। यहाँ से हमने अबू जायद लिए हैं, तो आप चाहें तो अबू जायद की जगह किसी और प्लेयर को ले सकते हैं थोड़ा डिफरेंस रखने के लिए। ऑलराउंडर सेक्शन में महमूदुल्लाह को हम ले रहे हैं, सुनील नारायण को ले रहे हैं, शाहिद अफरीदी को ले रहे हैं। गाइज मैं आपको बता दूँ, यहाँ से दो ऑलराउंडर अच्छे हैं, शाकिब अल हसन भी अच्छे ऑलराउंडर है, कार्लोस ब्रैथवेट भी अच्छे ऑलराउंडर है। आप चाहें तो महमूदुल्लाह को ड्रॉप करके ब्रैथवेट ले लें और नारायण को ड्रॉप करके शाकिब अल हसन ले सकते हैं। तो ऐसी दो तीन टीम आप बना सकते हैं। अभी के फॉर्म को देखें तो ये तीन ऑलराउंडर अच्छे हैं। बॉलिंग डिपार्टमेंट में ये तीन बॉलर सबके होंगे, अबू हैदर, जोफ्रा आर्चर और सैफुल इस्लाम, इनको हर कोई ले रहा है। तो आपको मोस्ट ऑफ द टीम्स में ये बॉलर देखने को मिलेंगे। आप थोड़ा सा डिफरेंस कर सकते हैं, अगर आप ग्रैंड लीग खेल रहे हैं तो आप एक आध दो चेंज कर लें ताकि आप दूसरे से डिफ़र कर सकें, बिकॉज सब लोग यही प्लेयर ले रहे हैं, बिकॉज ये अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं। तो यहाँ से अगर आप ऑप्शन ढूंढ रहे हैं तो आपको ऑप्शन ज़्यादा नहीं मिलेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। ऑलराउंडर सेक्शन में ऑप्शन है, यहीं से आपको कुछ ना कुछ फेरबदल करने पड़ेंगे और बैटिंग में कर सकते हैं। तो ग्रैंड लीग कल अगर आपको जीतना है तो बैटिंग या ऑलराउंडर सेक्शन में ही आपको चेंज करने पड़ेंगे। तो भाई ये हमारी टीम है, एक बार प्रीव्यू देखेंगे, बट उससे पहले कैप्टन वाइस कैप्टन डिस्कस करेंगे। तो कैप्टन वाइस कैप्टन की सबसे बेस्ट चॉइस होगी एवन लेविस होगी, शायद अफरीदी होंगे, तो मैंने उनको कैप्टन वाइस कैप्टन बनाया है। और अच्छी चॉइस सुनील नारायण हो सकते हैं, महमूदुल्लाह हो सकते हैं। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, पांच ऑलराउंडर हैं टोटल, उनमें से किसी को तीन को आपको लेना है, बट पांच ऑलराउंडर बेस्ट ऑलराउंडर हैं। आप तीन तीन के पेयर को ट्राई करें, अलग अलग पेयर्स बनाएं। अगर आप ग्रैंड लीग खेल रहे हैं तो आप थोड़े थोड़े चेंजेस करके बनाएं टीम को। अगर आप स्मॉल लीग खेल रहे हैं तो ये ऑलराउंडर अच्छे हैं, इन्हीं के साथ जाएँ। और शाहिद अफरीदी को आप चाहें तो वाइस कैप्टन बना सकते हैं, और चाहे तो वाइस कैप्टन आप लेविस रख सकते हैं, कैप्टन आप अफरीदी रख सकते हैं, या फिर नारायण को भी वाइस कैप्टन या महमूदुल्लाह को वाइस कैप्टन रख सकते हैं। तो ये चार पांच कुछ चॉइस हैं आपके पास कैप्टन वाइस कैप्टन की। वॉल्टन भी एक अच्छे ऑप्शन है, बट अभी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करके दिखा रहे हैं, बट जिस दिन दिखाएंगे बहुत अच्छा करके दिखाएंगे, बिकॉज CPL में इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। थ्रू आउट द CPL बहुत ज़्यादा स्कोर करते थे, और फिलहाल मैचेस में कोई ज़्यादा स्कोर नहीं कर पा रहे। तो ग्रैंड लीग के लिए अच्छे ऑप्शन होंगे चैडविक वॉल्टन, बाकी स्मॉल लीग के लिए आप ऑलराउंडर के साथ ही जाएं। टीम को सेव करते हैं, एक बार प्रीव्यू देखते हैं। तो गाइज आप देख सकते हैं, मैंने खुलना टाइटंस के 6 प्लेयर लिए और ढाका डायनामाइट्स के मैंने 5 प्लेयर लिए। आप चाहें तो 6 प्लेयर ढाका डायनामाइट्स को ले सकते हैं, बट अभी उतने फॉर्म में नहीं चल रही ढाका डायनामाइट्स। मुझे लगता है ये मैच टक्कर का होगा, तो उस हिसाब से मैंने टीम बनाई है। आप चाहें तो अफरीदी को कैप्टन रख सकते हैं, चाहे तो महमूदुल्ला को कैप्टन रख सकते हैं, बिकॉज हम नहीं बोल सकते कौन सा प्लेयर कल खेलने वाला है, अच्छा परफॉर्म करने वाला है, बट अभी के फॉर्म के हिसाब से देखें तो शायद अफरीदी बेस्ट रहेंगे और सुनील नारायण और महमूदुल्ला बेस्ट ऑलराउंडर रहेंगे। तो गाइस ये हमारी कुछ टीम थी। अगर आपने हमें अभी तक ट्विटर पर फॉलो नहीं किया है तो ट्विटर पर हमारा अकाउंट बन चुका है, आप वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। वहाँ आपको करंट न्यूज़ मिल जाएगी, मैच के पहले जो भी न्यूज़ होगी तो आपको मिल जाएगी, साथ ही साथ और भी जो स्क्वाड न्यूज़ होगी वो भी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो गाइस ट्विटर पर हमें फॉलो कीजिए, और वीडियो पसंद आता तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ओके गाइस, थैंक यू।